सरकार में जहां गायों को संरक्षण देने के लिए गौ संवर्धन बोर्ड बनाया गया है, वहीं इन गायों की क्या हालात हैं, ये देवास में देखने को मिला, जहां गौशाला की हालत बद से बदतर है। दरअसल देवास में कई गौशालाएं हैं, लेकिन इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। शहर में ये गाय रोड पर खुलेआम घूमती है, जिससे हमेशा दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। मेरी गाय को लेने गया है, महापौर जी ने भेजा था आपकी गाय जाओ ले आओ, तो मैं लेने आया था वहाँ बाहर, से मेरे को आने नहीं दे रहे पहले। हाँ। जब उन्होंने बोला फिर यहाँ आया अंदर, फिर उन्होंने परमिशन दी कहीं अंदर तक आया लेने आया, तो उन्होंने मना कर दिया। जब आप अपनी गाय लेने आया तो यहाँ पे आपको दूसरी गाय मरी पड़ी मिली? दूसरी गाय देखी है मरी पड़ी थी। इसकी सूचना आपने किसको किसको दी? महापौर को दी। और मैंने ऐसे हमारे पत्र लेटर पेपर डालने आता महेश्वर जी, उनको दी। हाँ। बोले आप अपनी गाय ले आओ, फिर बाद में कार्रवाई कर देंगे। उनने ऐसा बोला सिविल लाइन में। नगर निगम में किसको किसको दी आपने? नगर निगम में मैंने महापौर जी को दी और श्रीवास्तव साहब को दी। और श्रीवास्तव साहब ने बोला तू बाहर निकल जा, बाहर निकाल दिया, बोले इसको घर करो करते नहीं। जो हमारा एक माँ के समान राष्ट्रपति हुए और इस वाक्य में एक दिल दुखाने वाली घटना थी, और ये मुद्दा मैंने भी कई बार उठाया, पिछले साल भी इस मामले में कलेक्टर साहब एसपी साहब को शिकायत कर चुका हूँ, और मैं इस मामले में हमारे सत्ता पक्ष मनीष जी अर्जुन बाबू हम सभी सम्मानित पार्षद इसकी शिकायत कलेक्टर साहब एसपी साहब को करेंगे, मौका अगर प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे, और जो इसमें दोषी अधिकारी है और जो गाय हम अब स्पॉट पे आए तो गाय बल्ले पे कम से 10-12 गाय यहाँ से दलदल फंसी थी, उनको वहाँ पटक दी गई, और जब यहाँ स्पॉट पे आए तो 5-7 गाय तड़फ रही थी। वाकई में ये कसाई से बदतर काम हो रहा है जो भी हो रहा है। वही ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये देवास शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम राबड़िया की, जो गौशाला में गायों के रखरखाव को बयां कर रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि गाय दलदल में फंसी हुई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, तो कई गायों की मौत हो चुकी है और कई तो यमराज का इंतजार कर रही है। बहरहाल गायों की यह हालत देखकर सवाल उठता है कि कहां गए गौ रक्षक, कहां गया गौ सेवा दल, और कहां गए गाय को माता मानने वाले जो थोड़ी सी बात पर मॉब लिंचिंग करने से नहीं चूकते। तो सवाल सरकार पर भी है कि केवल चुनाव के वक्त गाय माता याद आती है और चुनाव खत्म तो वास्ता खत्म। देवास से न्यूज के लिए कल्कि राज रवि की रिपोर्ट।